के हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये कहाँ करती थी ये दुनिया जिसे तहजीब का पैकर, हमें तो तुम हमें हमारी बस वही पहचान लौटा दो, जहाँ रहते थे हिंदू और मुस्लिम साथ मिलजुल कर। खुदा के वास्ते हमको वो हिंदुस्तान लौटा दो कि जब कभी भी मेरा उसका सामना हो जाएगा, किसमें कितना जर्फ है सबको पता हो जाएगा। मैं हूँ जुगनू, वो है सूरज, उसको खुद पर नाज है, रात होने दीजिए खुद फैसला हो जाएगा। है हमारी खामोशी से दुश्मनों में दहशतें, हम अगर कुछ कह उठे तो क्या से क्या हो जाएगा। राहुल गांधी खामोशी से यात्रा कर रहे हैं, मोदी जी की सत्ता में, मोदी जी की सरकार में खलबली मची हुई है, क्योंकि उन्हें पता है देश के युवा खड़े हो गए तो इस सरकार को पलट कर रख देंगे। क्या खाप नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। नरेंद्र मोदी नारा देते हैं सबके साथ सबके विकास का, प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने कहां सबका साथ सबका विकास किया, आपने कहां रोजगार दिया। महिलाओं को न्याय की बात करते हैं, आपने कहां न्याय दिया, आपने कहां रोजगार बेरोजगारी को दूर किया। आज भी 5 साल की उम्र तक 10 लाख से अधिक बच्चे भूख के कारण मर जाते हैं। आज भी इस देश में 12 करोड़ से अधिक युवा बेरोजगार है, 12,000 से अधिक युवा रोजगार नहीं मिलने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, ये भारतीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है। सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का विकास कर रहे हैं, अंबानी और अडानी का विकास हो रहा है, बाकी सबका सत्यानाश हो रहा है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बीजेपी और जी इस देश में खुले तौर पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं। उम्र भर क्या बेहिसी की जिंदगी कहलाएगा, अब तो बन इंसान कब तक आदमी कहलाएगा, कुछ ना कुछ तो बोलना होगा मुझे उसके खिलाफ, अब मेरा खामोश रहना बुजदिली कहलाएगा। हालांकि हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है, लेकिन हम नहीं डरने वाले। हम ये बताना चाहते है कि राह में खतरे भी है, लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है। हम पीछे नहीं हटेंगे, तब तक बोलेंगे जब तक इस देश को इंसाफ नहीं मिल जाएगा। मेरे साथ युवा हैं बातचीत करने के लिए, बताइए राहुल जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कितना उमंग है और क्या अन्याय हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं राहुल जी गांधी के लिए ये शेर कहना चाहूँगा, जिस तरह वो यात्रा पर निकले हैं, जिस तरह डिक्टेटरशिप के विरोध में सीना तान कर खड़े हैं, तो मैं ये समझो कि राहुल गांधी ये शेर कह रहे हैं कि जब कभी भी मेरा उसका सामना हो जाएगा, किसमें कितना जर्फ है सबको पता हो जाएगा। मैं हूँ जुगनू, वो है सूरज, उसको खुद पर नाज है, रात होने दीजिए खुद फैसला हो जाएगा। है हमारी खामोशी से दुश्मनों में दहशतें, हम अगर कुछ कह उठे तो क्या से क्या हो जाएगा। आज राहुल जी गांधी खामोशी से यात्रा कर रहे हैं तो मोदी जी की सत्ता में मोदी जी की सरकार में खलबली मची हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब कांग्रेस पार्टी के मानने वाले और जब इस देश के युवा खड़े हो गए तो इस सरकार को पलट कर रख देंगे। क्या खाप नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री है, वो नारा देते हैं सबके साथ सबके विकास का, लेकिन मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा इस देश की ओर से, इस देश के युवाओं की ओर से, कि आपने कहाँ सबका साथ सबका विकास किया। आप नौजवानों को रोजगार की बात करते हैं, आपने कहां रोजगार दिया। आप महिलाओं को न्याय की बात करते हैं, आपने कहां न्याय दिया। आप बात करते हैं कि इस देश से बेरोजगारी दूर होगी, आपने कहां रोजगार बेरोजगारी को दूर किया। आज भी इस देश में 5 साल की उम्र तक हर साल 10 लाख से अधिक बच्चे रोटी नहीं मिलने के कारण, भूख के कारण मर जाते हैं। ये मैं नहीं, यूएन की रिपोर्ट कहती है। मोदी जी बात करते हैं रोजगार की, आज भी इस देश में 12 करोड़ से अधिक युवा बेरोजगार है, यह भारतीय सरकार की रिपोर्ट है। मोदी जी बात करते हैं रोजगार की, मोदी जी बात करते हैं महंगाई की, आज भी इस देश में
हर 3 वर्ष में 12,000 से अधिक युवा रोजगार नहीं मिलने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, ये भारतीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है। मोदी जी बात करते हैं कि इस देश में महिलाओं को न्याय मिलेगा, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी का न्याय यही है कि 26 जनवरी के मौके पर जब हम इस बात का जश्न मनाते हैं कि इस देश भारत का इस दिन भारत का संविधान लिखा गया, उसी दिन बिल्किस बानो के कातिलों को छोड़ दिया जाता है कि यही महिलाओं के साथ न्याय है। मोदी जी सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन जब दिल्ली में जब किसान सड़कों पर आते हैं अपने हक की बात करने के लिए, तो रास्तों में किल बिछा दी जाती है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उन पर ड्रोन से हमला किया जाता है, क्या यही सबका साथ सबका विकास है? मोदी जी बात करते हैं सबके साथ सबके विकास की, लेकिन मोदी जी सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का विकास कर रहे हैं, इस देश में सिर्फ अंबानी और अडानी का विकास हो रहा है, बाकी सबका सत्यानाश हो रहा है। आज भी इस देश का युवा बेरोजगार है, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद आज युवा रोजगार हासिल करने के लिए जब लाइन में लगता है, उसका जब नंबर आता है तो उससे भारी घूस मांगी जाती है, उससे डोनेशन के नाम पर पैसा मांगा जाता है। मोदी जी ने तो कहा था 2014 के बाद सब ठीक हो जाएगा, सबका साथ सबका विश्वास, सब साथ बढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे, नफरत फैल रही इस देश, लेकिन मोदी जी ने कहा कि सब साथ बढ़ेंगे, आप मुझको बताए कहाँ सब साथ बढ़ रहे हैं? आज CA लागू कर दिया गया, राहत इंदौरी का मुझको इस मौके पर शेर याद आता है, राहत साहब ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, लेकिन मोदी जी खुले तौर पर बीजेपी और मोदी जी इस देश में खुले तौर पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, गाय गोश्त की राजनीति कर रहे हैं। आज खुले तौर पर अमित शाह और मोदी जी की जानिब से ये कहा गया CA लागू होने के बाद कि इस देश में बांग्लादेश पाकिस्तान और अन्य देशों के जो गैर मुस्लिम है उन्हें नागरिकता की दी जाएगी, तो इस देश में मुसलमानों के साथ अन्याय क्यों? यानी के मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान देकर साफ तौर से ये कह दिया कि वो सबका साथ सबका विकास नहीं चाहते हैं, बल्कि वो इस देश में जात पात की राजनीति करना चाहते हैं, जिस जात पात को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने खत्म किया था, मोदी सरकार उसी जात पात को फिर बढ़ावा दे रही है, जिस नाइंसाफी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारे पूर्वजों ने खत्म किया था, मोदी सरकार आज उसी नाइंसाफी को फिर से जिंदा कर। मोदी जी ये बताते हैं कि उन्होंने 10 साल में जो काम किया वो 70 सालों में नहीं हो पाया, वो ये बताते हैं कि भारत का डंका अब दुनिया में बज रहा है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, मोदी जी ने इन सालों में जो किया वो कांग्रेस की सरकार में भी नहीं हुआ, और जो डंका आज बज रहा है वो इससे पहले भी नहीं बजा था। अब मैं आपको बताता हूँ क्या डंका बज रहा है और मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने 70 सालों में कांग्रेस ने जो सरकारी संस्थाओं का स्थापन किया था जिसमें हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहा था, मोदी जी ने उन सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे युवा बेरोजगार हो गए। इन 70 सालों में जो कभी नहीं हुआ था, यानी कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं हुई थी, ना इंसाफी नहीं हुई थी, फिर चाहे वो किसी भी जात किसी भी धर्म का हो उसे इंसाफ मिलता था, मोदी सरकार में आज वैसा नहीं हो रहा है, आज बेरोजगारी बढ़ गई है, आज युवा आत्महत्या कर रहा है, इसलिए भारत का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। राहुल जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, उस दौरान उन्होंने एक नारा दिया कि मैं इस देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, वाकई में लगता है नफरत का बाजार है इस देश? बिल्कुल, इस देश में नफरत का बाजार है, इसीलिए शायर ने कहा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। वही
ये शायर ने ये भी कहा था कि कहाँ करती थी ये दुनिया जिसे तहजीब का पैकर, हमें तो तुम हमें हमारी बस वही पहचान लौटा दो, जहाँ रहते थे हिंदू और मुस्लिम साथ मिलजुल कर, खुदा के वास्ते हमको वह हिंदुस्तान लौटा दो। तो राहुल जी गांधी वही हिंदुस्तान प्राप्त करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले कि इस हिंदुस्तान से नफरत खत्म हो और प्यार मोहब्बत का बाजार जो है इस देश में जो है मोहब्बत की दुकानें खुले और प्यार मोहब्बत का बाजार कायम हो। मालेगांव में अभी हम मौजूद हैं, महाराष्ट्र में क्या समस्याएं हैं, मालेगांव में क्या नफरत फैल रही है, क्या अन्याय हो? मालेगांव में जो नफरत फैल रही है, असल में मालेगांव में नफरत नहीं फैल रही है, मालेगांव में बीजेपी अपने चिंटुओं द्वारा उनको मालेगांव में भेज कर यहाँ पर नफरत फैलाने का काम कर रही है। अभी जो है राणे, क्या नाम है उसका, जो बीजेपी का एमएलए है, नितेश राणे वो रहता है मुंबई में, लेकिन मालेगांव में आकर वो ये कहता है कि यहाँ पर जिहादी लोग रहते हैं, वो ये कहता है कि यहाँ के मुसलमान हिंदुओं के विरोध में काम करते हैं। उस नितेश राणे को ये नहीं दिखता कि जब यहाँ से गढ़ की यात्रा जाती है तो इस शहर के मौलवी, इस शहर में मदरसों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे, इस शहर में रहने वाले मुसलमान इसी आगरा रोड पर जहाँ से ये यात्रा गुजर रही है लाइन से खड़े हो जाते हैं, शरबत पिलाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, उनके साथ भाषण करते हैं, उनके साथ जो है खड़े रहकर हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देते हैं। ये वही मालेगांव है। उस नितेश राणे को मैं बताना चाहूँगा कि जब इस देश के मुसलमान जब ईद के मौके पर ईदगाह पर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमारे हिंदू भाई मुसलमानों के लिए वुजू के पानी का इंतज़ाम करते हैं, पीने के पानी का इंतज़ाम। सवाल ये है कि बीजेपी के एक नेता हैं जिन्होंने कहा है, मोदी जी आजकल कह रहे हैं अब की बार 400 पार, मोदी जी आजकल नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार, इस नारे पर बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं कि 400 पार कर दो देश का संविधान बदल देंगे। असल में वो जो 400 पार कह रहे हैं वो लोगों की समझ में नहीं, वो 400 बाहर बोल रहे हैं, यानी कि अब उनकी गलने वाली नहीं है, वो 400 पार नहीं है, वो देश बाहर होने वाले हैं, सत्ता बाहर होने वाले हैं। और अब जो है उनकी सत्ता में घबराहट है, वो घबरा चुके हैं, इसलिए अब वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। डरपोक है, डरपोक है ये तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके बयान से लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि डरपोक है या नहीं है। क्यों कि ईडी का यूज़ कर रहे हैं, सीबीआई का यूज़ कर रहे हैं, जहां मोदी सरकार को ऐसा लगता है कि अब मेरी सत्ता खतरे में आ रही है, ये नेता खड़ा हो गया, संजय राउत खड़ा हो गया मेरे खिलाफ़, नवाब मलिक खड़े हो गए हैं मेरे खिलाफ़, और अन्य पार्टी जो इंडिया गठबंधन में खड़े हो गए हैं, तो वो ईडी और सीबीआई का उपयोग करते हैं और उन्हें जेल में भेजने का जो तानाशाही कर रहे हैं क्या मोदी जी? बिल्कुल डिक्टेटरशिप हो रही है इस देश में, वही डिक्टेटरशिप हो रही है जो अंग्रेज करते थे कि अगर आप उस समय अंग्रेजों के खिलाफ बोलने के लिए खड़े हो तो वो पकड़ कर जेलों में भेज देते थे, फांसी के फंदे पर कर देते। वो गोरे अंग्रेज चले गए इस देश से, हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों का खात्मा तो कर दिया, लेकिन अब इस बात की ज़रूरत है, अब वक्त तो आ गया है कि इस देश से काले अंग्रेज़ों का खात्मा किया जाए। और इस समय हमारे देश का युवा, इस देश का जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और इस देश के वो लोग जो आज भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि आज भी इस देश में संविधान कायम है, वो इन काले अंग्रेज़ों के खात्मे के लिए तैयार है। और वो दिन दूर नहीं जब इस देश से काले अंग्रेज़ों का खात्मा होगा, क्योंकि उस समय गोरे अंग्रेजों के खिलाफ उस वक्त महात्मा गांधी खड़े हुए थे, इस समय काले अंग्रेजों के खिलाफ राहुल गांधी खड़े हुए हैं, उस समय भी गांधी खड़े थे, इस समय भी गांधी खड़े हैं। ये वही हिंदुस्तान है जो ये चाहता है कि इस देश में डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती। मेरी सवाल, अभी आप एक शायरी बोल रहे थे कि आप नहीं बोला तो क्या होगा, वो सुना दीजिए जरा। उम्र भर क्या बेहिसी की जिंदगी कहलाएगा, अब तो बन इंसान कब तक आदमी कहलाएगा, कुछ ना कुछ तो बोलना होगा मुझे उसके खिलाफ, अब मेरा खामोश रहना बुजदिली कहलाएगा। खामोश नहीं रहेगा, हम खामोश नहीं रहेंगे।
हालांकि हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है, लेकिन हम नहीं डरने वाले, क्योंकि हम हमारा रिश्ता हमारे पूर्वजों से मिलता है। हमारे पूर्वजों ने भी फांसी के फंदे को झूला, हमारे पूर्वज भी जो जेलों में गए। हम ये बताना चाहते हैं कि राह में खतरे भी है, लेकिन ठहरता कौन है? राह में खतरे भी है, लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है? हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बोलेंगे, हम तब तक बोलेंगे जब तक इस देश को इंसाफ नहीं मिल जाएगा।